नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। टाटा बड़बिल पैसेंजर ट्रेन से शनिवार को बेहोशी की हालत में बरामद एक अज्ञात महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। उक्त महिला का इलाज टिस्को नौमुंडी अस्पताल में चल रहा है। अज्ञात महिला टाटा नगर स्टेशन से ट्रेन में अकेले सवार हुई थी, उसके बाद महिला बेहोशी की हालत में पाई गई। महिला को बेहोश देखकर यात्रियों ने इसकी सूचना डंगवापोसी रेलवे स्टेशन में रेलवे पदाधिकारी को दी। सूचना मिलने पर डंगवापोसी स्टेशन पर रेलवे अस्पताल के एक फार्मासिस्ट जोगिंद्र कुमार ने महिला की जांच की, जबकि ACMS डॉक्टर JP महाली महिला की स्वास्थ्य जांच के लिए स्टेशन नहीं पहुंचे। महिला को रविवार तक होश नहीं आ पाया। महिला की पहचान नहीं हो पाया है। रेलवे पुलिस, जिला पुलिस और आम लोग महिला की पहचान में जुटे हुए हैं। SR रुंगटा ग्रुप की ओर से चक्रधरपुर प्रखंड के केरा और आसपास के गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच 170 कंबल का वितरण किया गया। रुंगटा ग्रुप के CSR किशन ठाकुर और लायंस क्लब के कुणाल सराफ एवं सचिन अग्रवाल ने ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। किशन ठाकुर ने कहा कि ठंड से राहत दिलाने के लिए जरूरतमंदों के बीच ऐसा रुंगटा ग्रुप की ओर से CSR के तहत कंबल का वितरण किया जा रहा है। नए साल के पहले रविवार को जिले के पिकनिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर आज खूब चहल पहल रही। लोग पूरे उत्साह के साथ नव वर्ष का जश्न मनाते दिखाई दिए। छुट्टी का दिन होने के कारण आज कुजू नदी तट और लुपुंगुटू झरना किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से शुरू हुआ खाने पीने और नाचने गाने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। मुर्गा महादेव और रामतीर्थ में भी आज खूब चहल पहल रही। लोगों ने नहा धोकर पूजा पाठ करने के साथ ही पिकनिक का भी आनंद लिया। किरीबुरु के DSP डॉक्टर हीरालाल रवि ने क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। हर थाने में लंबित मामलों की समीक्षा की गई और त्वरित निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिया। वारंट और कुर्की जब्ती के मामलों का तामिला कराने को कहा गया। DSP ने बताया कि न्यायालय द्वारा भेजी गई सूची और थानों में लंबित सूची के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस की कोशिश के कारण क्षेत्र में आपराधिक मामलों में कमी आई है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। बैठक में नक्सली गतिविधियों पर निगरानी रखने और नियंत्रण लगाने की रणनीति बनाई गई है। किरीबुरु के शराब कारोबारी हरिशंकर प्रसाद चौरसिया के आत्महत्या के मामले में DSP ने बताया कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। यह मामला बहुत गंभीर है, इसलिए पुलिस अधीक्षक खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। DSP ने बताया कि इस मामले की जांच वह खुद कर रहे हैं। अब तक कई साक्ष्य सामने आए हैं, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आज अपराध गोष्ठी जो बुलाई गई है, उसमें हमारे चार थाना के सभी थाना प्रभारी, गुआ, नोआमुंडी, बड़ा जामदा और किरीबुरु थाना के थाना प्रभारी, इसके बाद दो अंचल हमारे हैं, नोआमुंडी अंचल और किरीबुरु अंचल, ये दोनों के इंस्पेक्टर शामिल हैं अपराध गोष्ठी में। और मुख्य रूप से आज जो बिंदु था अपराध गोष्ठी का, वो ये था कि पिछले माह में जो भी घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं के संबंध में जो FIR दर्ज हुआ है, तो उस संबंध में एक समीक्षा की गई है कि किस किस तरह के केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हुए हैं और उसका अनुसंधान कितना बेहतर तरीके से और जल्दी वो किया जा सके। उसके अतिरिक्त पूर्व से जो भी लंबित कांड
हमारे अलग अलग थाना क्षेत्र में चले आ रहे हैं, तो अनुसंधानकर्ता वार जो है उसकी समीक्षा करके लंबित जो हमारी कार्रवाई है उसको पूर्ण करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। इसके अलावे जो भी हमारे फिरारी हैं अलग अलग कांडों में और अस्थाई वारंटी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चला करके गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के हिरासत में भेजना सुनिश्चित करने का निर्देश जो है सो दिया गया है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो बहुत ही हीनस क्राइम की श्रेणी में आता है, जैसे दुष्कर्म हो गए, लूट हो गए, हत्या के मामले हो गए, इस तरह के केसेस को बहुत ही त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। जो भी हमारे थाना स्तर में वारंट कुर्की या चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन का काम अगर वो लंबित है तो बहुत ही त्वरित गति से उसको निष्पादित करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। क्षेत्र में विधि व्यवस्था का संधारण कैसे हम लोग करें, इस पर भी जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, खासकर जो नक्सल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से कैसे हम नक्सली के विरुद्ध उनके गतिविधि पर नियंत्रण ला सकें, उसके विरुद्ध आसूचना संकलन करने का भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था दुरुस्त है और किसी भी प्रकार का कोई अपराध की घटना न हो, इस पर भी हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। तो आज ये अपराध गोष्ठी का एक मुख्य एजेंडा है। देखिए, जो मामले दर्ज हुए हैं, जो प्राथमिकी हम लोग को मिली है, प्राथमिकी में जो भी बिंदु उसमें अंकित हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, उस आरोप के संदर्भ में हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए हैं और आरोप की पुष्टि के लिए हम लोग साक्ष्य संकलन करने की प्रक्रिया प्रारंभ किए हैं, और वो बहुत ही एक द्रुत गति से ठोस साक्ष्य संकलन करने का काम किया जा रहा है। और चूंकि यह केस बहुत ही गंभीर प्रकृति का है और ये मामला भी बहुत ही ये हाईलाइटेड हुआ था, इसलिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है और मेरे नेतृत्व में इस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो हम लोग का जो भी मिला है साक्ष्य, उसके अनुरूप हम लोग कांड का उद्भेदन करने का वो प्रयास कर रहे हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं आरोपी के खिलाफ, उसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग साक्ष्य संकलन करने का वो प्रयास कर रहे हैं। जगन्नाथपुर के मालुका और सोसोपी में सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा और जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह को द्वारा ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार, बिरबल हिस्सा, बैजनाथ बुबुंगा, प्रेम गोप, सनातन सिंह को सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चैबासा विधानसभा क्षेत्र के पारा शिक्षकों ने आज विधायक दीपक बिरवा का अभिनंदन किया। उन्होंने विधायक को गुलदस्ता देकर जीत की बधाई दी। एकीकृत पारा शिक्षक संघ के शैलेश सुंदरी ने कहा कि भाजपा सरकार से पारा शिक्षक परेशान थे, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने से पारा शिक्षकों में आशा की नई किरण जगी है। शिक्षकों ने विधायक से उनकी सेवा के बदले वाजिब हक दिलाने की मांग की। विधायक ने पारा शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनका हक और अधिकार मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।